हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोया चंक्स यानी कि सोयाबीन कबाब की रेसिपी। और सोयाबीन काफ़ी हेल्दी होते हैं और जब आप इस तरह से बनाएंगे ना, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बिल्कुल आसान है इसे बनाना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सोयाबीन कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और इसमें डालेंगे सोयाबीन, जिसे हम सोया चंक्स भी बोलते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे गर्म पानी ताकि अच्छे से हो जाए सॉफ्ट। पानी डालने के बाद अब हम इसे रख देंगे साइड में और अब हम लेंगे एक मिक्सी जार और इसमें डालेंगे 2 रफली चौकी हुई प्याज, 6 से 7 लहसुन की कलियां, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 5 से 6 ले रही हूँ मैं हरी मिर्ची। सभी को डाल लें मिक्सी जार में। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और अब हम करेंगे इसे ग्राइंड। और ये लीजिए इसे कलिया ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद अब हम इसे डाल देंगे एक बाउल में और अब हम लेंगे फिर से वही मिक्सी जार और अब हम इसमें डाल देंगे सोयाबीन जो हमने पहले भिगो के रखी थी। वो सोयाबीन को हाथों से अच्छे से निचोड़ ले ताकि इसमें जो पानी है वो बिल्कुल निकल जाए और फिर इसे डाल लें मिक्सी जार में। सोयाबीन को मिक्सी जार में डालने के बाद अब हम इसे भी करेंगे ग्राइंड। ये लीजिए इसे कर लिया ग्राइंड। तो अब हम इसे डाल देंगे उसी बोल में जिसमें हमने पहले पेस्ट डाला था। बाकी की बची हुई सोयाबीन को भी मैंने कर लिया ग्राइंड और अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। और मसालों में मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर। साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून अरारोट और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। आप दोनों की जगह एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो इसके लिए हमें मैदा या फिर अरारोट का इस्तेमाल करना है। मैं इसमें दोनों चीज़ डाल रही हूँ और अब हम करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। और ये लीजिए अच्छे से मैंने कर लिया इसे मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम देंगे कबाब की शेप और शेप देने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पेंसिल का। इस तरह से थोड़ा सा लेंगे मिक्सचर और अब हम इसे लगा देंगे पेंसिल पे। अगर ये मिक्सचर थोड़ा भी आपके हाथों पे चिपके तो आप क्या करें, हाथों को थोड़ा सा कर ले गीला ताकि हाथों पे बिल्कुल भी चिपके ना और आसानी से इसकी शेप बना सके। इस तरह से ईजिली पेंसिल से निकल भी जाता है, आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से हो गए शेप बन के तैयार। इसी तरह से बाकी के कबाब की शेप भी बना के तैयार करें। और ये देखिए बिल्कुल इजीली निकल जाता है और बिल्कुल आसानी से हमने बना लिए इसके शेप। और अब हम करेंगे इसे फ्राई और फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को कर लिया पहले गर्म। ऑयल हमारा ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। आप देख सकते हो इसमें कबाब डालते ही बबल्स आ रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है ऑयल हमारा। और अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर करेंगे इसे फ्राई। इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट लगती है और 2 मिनट में अच्छे से हो जाते हैं फ्राई। बीच बीच में इसे इस तरह से चलाते रहे ताकि अच्छा सा इस पर आ जाए क्रिस्पी कलर। और ये लीजिए अच्छे से हो चुके फ्राई, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसमें कलर आ। अगर आप इस तरह से सोयाबीन के कबाब बनाकर बच्चों को देते हैं तो बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह से बाकी के कबाब भी कर लेंगे हम फ्राई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। बाकी के बचे हुए भी कबाब मैंने कर लिए फ्राई और ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी हमारे कबाब बन के हुए तैयार। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।